खबर जबलपुर से है, जहां मोबाइल लूटकर भाग रहे लुटेरों का सामना करने वाली साहस छात्रा का पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने सम्मान किया। बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली छात्रा कोचिंग से घर जा रही थी कि तभी बाइक सवार दो लुटेरे उसके करीब आए और मोबाइल फ़ोन छीनकर भागने लगे। छात्रा ने साहस का परिचय देते हुए मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरे को जैकेट पकड़ी और उसे गिरा दिया। इतने में और लोग आ गए और एक आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि दूसरा लुटेरा मोटरसाइकिल लेकर भागने में सफल हुआ, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक लुटेरा नाबालिग है जबकि दूसरा आदतन अपराधी है। बेखौफ होकर अपने मोबाइल फ़ोन के लिए दो लुटेरों से भिड़ने वाली छात्रा ने यह भी नहीं सोचा कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। छात्रा के साहस के मुरीद जबलपुर पुलिस भी हो गए। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने छात्रा को अपने कार्यालय बुलाया और पुष्पगुच्छ देकर न सिर्फ उसकी तारीफ की बल्कि उसे मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी सौंपा गया। जबलपुर एसपी की माने तो निश्चित रूप से छात्रा ने एक साहस भरा काम किया है, जिसके चलते दो खतरनाक लुटेरे पुलिस के गिरफ्त में आए। छात्रा संध्या बर्गी तहसील की रहने वाली है। जब एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने उसका सम्मान किया तो वह खुश हो गई। दौड़ लगा के उसका मुकाबला किया, उनको पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, बहुत साहसी काम बच्ची का। बहुत शौक है उसको आने का। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पकड़ लीजिए उसको। संध्या अरमोल जो बच्ची है, संस्कारधारी जबलपुर की बेटी ने लुटेरों के साथ जिस तरह से संघर्ष किया, कैसा मैसेज जाता है और आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये निसंदेह ही एक बहुत साहसिक एवं प्रेरणादायी एक मैसेज इसमें जाता है अन्य बच्चों के लिए भी, अन्य युवाओं के लिए, कि मुश्किलों से अपने को घबराना नहीं, डट के सामना करना है, जैसे कि संध्या अरमोल जी ने किया। ये जा रही थी, दो मोबाइल लुटेरे मोटरसाइकिल में थे, वो इनके पीछे आए और इनसे मोबाइल छीन लिए गए, लेकिन उन्हें दौड़ करके उनमें से एक को पकड़ लिया, फिर आसपास के लोगों ने सहयोग किया, उसके बाद वो धर दबोचा गया, उसका अन्य साथी फिर बाद में धर दबोचा गया। कुल लाकर के ये बहुत ही साहसिक इनका कदम है, और जिससे कि युवाओं को एक नया मैसेज भी जाता है कि ये डरे ना और अपने मुश्किलों का सामना करें। जबलपुर से आशीष वाथ्रे की रिपोर्ट।